गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लिक्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर से आप समझते क्या है पहले तो ये जान लेते हैं तो so, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर एक ऐसी आर्ट है ऐसी कला है जिसमें कि हम क्रॉप्स को उगाते हैं ठीक है तो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया में लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लार्ज स्केल में आपका क्रॉप्स उगाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं और इंडिया इंडिया एक कृषि प्रधान क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है फॉर देयर लाइवलीहुड तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए तो इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में जानेंगे टाइप्स ऑफ तो फार्मिंग को भी स्टडी करेंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स को भी स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है तो फार्मिंग आपके टू टाइप्स की होती है एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी आपकी टू काइंड होती है एक होती है प्रीमिटिव और दूसरी होती है इंटेंसिव तो पहले जानते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है यानी किसटेंस एग्रीकल्चर होता क्या है तो सबसे एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर होता है जिसमें कि हम जो भी क्रॉप उगाते हैं जो भी क्रॉप ग्रोन करते हैं वो हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं फैमिली कंजप्शन के लिए करते हैं जो भी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं वो मार्केट में बेचने के पर्पज से नहीं कर रहे हैं ठीक है अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला था आपका प्रीमेटिव तो प्रीमेटिव का मतलब क्या है प्रीमेटिव का मतलब कि हम इस फार्मिंग में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो भी हमारा मेथड होता है क्रॉप को उगाने का वो पुराना होता है जैसे कि हम मॉनसून में डिपेंड होते हैं ठीक है और फिर हम प्रीमेटिव टूल्स का यूज़ करते हैं हाईली यूज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं ठीक है अच्छा एक और बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें इसको हम प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की एक अलग डेफिनेशन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जिसमें कि फार्मर्स एक पैच ऑफ लैंड लेते हैं उसमें अपना जो भी क्रॉप uh, है उसे ग्रो करते हैं उससे अपनी फैमिली को चलाते हैं और फिर जब सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है डिक्रीज हो जाती है तब वो मूव ऑन होते हैं और दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और उस वाले पहले वाले पैच ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं ताकि वो जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को रिटेन कर सके तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट डिफर पैच ऑफ लैंड को यूज़ करते रहते हैं तो ये था आपका सबसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर अच्छा इसको डिफरेंट डिफरेंट डिफर जगहों में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए गए जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके नॉर्थ इंडिया के तो नॉर्थ इंडिया में इसे झूम की झूम खेती कहा जाता है तो ये आपका वन मार्क का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि झूम खेती का दूसरा नाम बताइए या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं तो ये आपका हो गया वन मार्क का क्वेश्चन अब चलते हैं दूसरे टाइप्स की तरफ तो दूसरा टाइप है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो वो फार्मिंग होती है जिसमें कि हम क्रॉप को ग्रो तो कर रहे हैं अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए लेकिन हम हाईली एग्रीकल्चरल मेथड का यूज कर रहे हैं जैसे कि हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं और मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक मॉडर्न मेथड ऑफ़ इरीगेशन यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे हैं और फिर जो क्रॉप उग रहा है वो हम अपनी फैमिली को कंज्यूम कंजप्शन uh, के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जो टाइप की फार्मिंग है वो आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है दूसरी जो टाइप की होती है आपकी फार्मिंग वो होती है कमर्शियल कमर्शियल फार्मिंग आपकी कमर्शियल पर्पज़ के लिए की जाती है यानी कि जो भी इसमें क्रॉप उगाया जाएगा वो आपके मार्केट में बेचा जाता है मार्केट में सील किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए और कमर्शियल फार्मिंग uh, सबसे ज़्यादा आपकी पंजाब और हरियाणा में होती है इसमें वीट और पोल्स को कमर्शियली ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल में अब हम बात करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है ये जान लेते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक टाइप है कमर्शियल एग्रीकल्चर का बट हम इसे अलग पढ़ेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर से प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होता क्या है तो इसमें क्या करते हैं कि एक लार्ज एरिया पे एक ही टाइप का क्रॉप आप ग्रो करते हैं यानी कि आप या तो व्हीट ले लीजिए या तो आप अरहर ले लीजिए कोई भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं लार्ज एरिया में सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ठीक है और उसमें आप हाईली एग्रीकल्चरल मेथड का यूज कर रहे हैं वेल डेवलप्ड नेटवर्क कनेक्शन है आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है ठीक है और तो और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर में मिलता है दैट आर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि अगर मैं बात करूँ जूट की तो जूट को जूट की इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है जहाँ पर वो एक रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है ये था आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर अब हम बात करते हैं इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न की तो इंडिया में आपकी तीन क्रॉप पैटर्न है रबी खरीफ और जैद तो रबी के बारे में आप जानती होंगे कि क्या होता है रबी एक विंटर क्रॉप का नेम है जो कि आप अक्टूबर से दिसंबर तक उगाते हैं ठीक है और इसे हार्वेस्ट इसकी कटाई समर में की जाती है अच्छा इसमें जो प्रेसिपिटेशन अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन की तो वो जो विंटर मंथ्स में जो प्रेसिपिटेशन होता है आपका जो विंटर uh, रेनफॉल होती है जो कि आपकी uh, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा होगा द विंटर रेनफॉल्स इन विंटर सीजन इज ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोनिक जो कि आपके वेस्ट बंगाल में क्रिएट होती है उसकी वजह से जो विंटर रेनफॉल होती है उसी प्रेसिपिटेशन का यूज़ करके इस क्रॉप को उगाया जाता है इसके एग्जाम्पल आप अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो गए वीट बार्ले पीज ग्राम एंड मस्टर्ड तो ये आप चार पॉइंट रबी क्रॉप्स के बारे में याद कर लीजिए अगर आपको पाँच मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप उसे तो लिख सकते हैं अब बात करते हैं खरीफ क्रॉप की तो खरीफ क्रॉप में भी चार पॉइंट मैंने तैयार किए सबसे पहले यह है कि इसे मानसून में उगाया जाता है ठीक है यानी कि आप इसे बिटवीन जुलाई जून टू सेप्टेम्बर आप इसे उगाते हैं और इसे हार्वेस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर में किया जाता है इसके अगर मैं मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करूँ तो ये होगा आपकी पैडी मेज ज्वार तुर पैडी इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है क्यों क्योंकि इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो तो इसीलिए हम इसे खरीफ सीज़न में उगाते हैं तीसरा जो सीज़न है वो आपका है जायद सीज़न जिसमें कि हम जायद क्रॉप को उगाते हैं जायद क्रॉप वो क्रॉप्स है जो कि गर्मियों में उगाए जाती है यानी कि अप्रैल में यानी कि अगर फार्मर है फार्मर ने ठंडियों में उगा लिया यानी कि फार्मर ने अक्टूबर से दिसंबर तक काम कर लिया ठीक है और फिर वो उसे जून से सितंबर भी काम करना है अब जो बीच में जो दो तीन महीने बच जाते हैं अप्रैल मई मही वाला महीना तो उसमें वो जैद क्रॉप उगाते हैं जिसे कि हार्वेस्ट वो जून में करते हैं इसके एग्जाम्पल से आपके वाटर मेलन मस्क मेलन कोकम्बर वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट फॉर्डर क्रॉप्स अब इंडिया में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में वो आपके कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की तो राइस बहुत ज्यादा फेमस क्रॉप है आपका जो कि इंडिया में उगाया जाता है तो राइस एक स्टेपल फूड है इंडिया का ये आप याद रख लीजिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा राइस खाया जाता है सबसे ज्यादा लोग इंडिया में राइस खाते हैं जो कि आ, इसी वजह से इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका राइस का एंड इट इज अ खरीफ क्रॉप जब भी अगर आपको क्वेश्चन आता है क्योंकि एग्रीकल्चर चैप्टर से तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई भी क्रॉप दिया जाएगा पाँच मार्क में और उसको आपको डिफाइन करना होगा तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये होना चाहिए कि वो कौन से सी सीजन का क्रॉप है तो ये जो राइ राइस है वो खरीफ सीजन का क्रॉप है ठीक है जैसे कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और हाई रेनफॉल चाहिए होती है हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए होती है इसे उगाया कहा जाता है इसे नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है मेनली इन यूपी पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की दैट इज आर दैट इज़ अवर वीट तो वीट मेन फूड क्रॉप है इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बट नॉट इन एंटायर इंडिया इट इज़ अ मेन क्रॉप बट ओनली इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड इट इज द मोस्ट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन देखिए वीट क्या है आपका रबी क्रॉप है तो रबी क्रॉप यानी कि आप इसे विंटर में उगा रहे हैं यानी कि इसे कम सीजन से समझिए कि इसे थोड़ी ठंडा मौसम चाहिए होता है कम टेम्परेचर चाहिए होता है और ब्राइट शाइन सनशाइन चाहिए होती है जब वो राइप कर रहे हो इसी वजह से हम इसे हार्वेस्ट कब करते हैं रबी क्रॉप्स को इसलिए हम इसे अप्रैल टू जून में हार्वेस्ट करते हैं एंड इट रिक्वायर्स फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एनअल रेनफॉल अब इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कई सारे इसके एग्जाम्पल्स है uh, कि इसे कहाँ उगाया जाता है इसे हरियाणा में भी उगाया जाता है मध्य प्रदेश और डक्कन प्लाच्यू में उगाया जाता है गंगा सतलुज प्लेन्स में उगाया जाता है ठीक है अब बात करते हैं हम मिलेट्स की तो मिलेट्स में आपके तीन टाइप्स होते हैं ज्वार बाजरा और रागी तीन इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं ज्वार बाजरा और रागी तो ज्वार इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप यानी कि राइस के बाद व्हीट के बाद ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है जिसको मॉइस्ट uh, क्लाइमेट चाहिए होता है ठीक है और इसे उगाया कहाँ जाता है इसे आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में उगाया जाता है बाजा की अगर हम बात करें तो बाजा सैंडी सॉइल में उगाया जाता है सैंडी सॉइल मतलब मैनग्रोव uh, एरिया की, की तरफ जितनी भी सॉइल होती है उस सॉइल में उगाया जाता है इसे मेनली से महाराष्ट्र राजस्थान एंड गुजरात में उगाया जाता है रागी रागी uh, की अगर हम सॉइल टाइप बात करें तो रागी ग्रोज वेल इन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल अब रागी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है तो रागी में आयरन कैल्शियम और रफेज की जो मात्रा होती है जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए रागी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको कौन कौन से स्टेट्स में उगाया जाता है इसको उगाया जाता है आपकी कर्नाटका तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश बात करते हैं मेज़ की तो एक ये ऐसा फूड क्रॉप है जो कि फॉर्डर और फूड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन है ये खरीफ क्रॉप खरीफ सीज़न में उगाया जाता है बट इन बिहार इट इज़ ग्रोन इन रबी सीज़न तो इसको इम्पॉर्टेंट जो स्टेट है वो है बिहार मध्य प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका जहाँ पे से उगाया जाता है और ये सबसे अच्छा एल्यूवियल सॉइल में उगता है जिस और इसको 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है बात करते हैं पल्सेस की अच्छा पल्सेस जो है वो हमारी आ, अगर मैं बात करूँ नॉन वेजिटेरियन फैमिली की तो नॉन वेजिटेरियन फैमिली में नॉट नॉन वेजिटेरियन इट्स वेजिटेरियन सॉरी वेजिटेरियन फैमिली में पल्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है क्योंकि आपको पता है नॉन सॉरी वेजिटेरियन फैमिलीज में ज़्यादा क्या होता है न्यूट्रिशन की कमी होती है तो पल्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन वेजिटेरियन फैमिलीज तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पल्स होते हैं ठीक है अब पल्स को हम मेजर क्रॉप्स की तरह नहीं उगाते हम इसे रोटेटिंग क्रॉप्स की तरह उगाते हैं क्यों क्यों उगाते हैं रोटेटिंग क्रॉप्स की तरह इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि ये जो क्रॉप्स होते हैं वो लग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करते हैं तो इसलिए हम इसे रोटेटिंग क्रॉप्स की तरह यूज़ करते हैं अच्छा अगर मैं बात करूँ इसे कहाँ कहाँ उगाया जाता है तो इसे उगाया जाता है आपके यूपी में महाराष्ट्र में राजस्थान में मध्य प्रदेश में और भी बहुत जगह उगाया जाता है इसे अब बात करते हैं शुगर केन की तो शुगर केन क्या है शुगर केन आपका ट्रॉपिकल भी है एज वेल एज़ सब ट्रॉपिकल फूड क्रॉप भी है बट इट इज़ अ खरीफ टाइप ऑफ क्रॉप जिसे कि वेल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाया जाता है एंड इट नीड सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील एंड शुगर केन सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा तमिलनाडु बिहार महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में उगाया जाता है आगे बात करते हैं ऑयल सीड्स की तो ऑयल सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन गेटा एंड इंडिया स्टैंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रैप सीड फ्टर कैनेडा एंड चाइना इन टू थाउजेंड एंड कौन कौन से मीन ऑयल सीड्स होते, है? होते हैं आपके कोकोनट मस्टर्ड सीशम सोयाबीन एंड कस्टर्ड सीड्स अब बात करते हैं ग्राउंडनट की तो ग्राउंडनट आपका खरीफ क्रॉप है जो कि गुजरात में सबसे ज्यादा उगाया जाता है लिप सीड एंड मस्टर्ड आपके रबी क्रॉप्स हैं तो मैंने ये पॉइंट्स में लिखा है अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के भी बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स है ये सिममम कास्टर सीड्स ये है कुछ इम्पॉर्टेंट मेन ऑयल सीड्स अच्छा अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देता है प्रोवाइड करता है वो है आपका टी क्रॉप तो टी क्रॉप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं जोग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसके हाई चांसेज होते हैं आपके एग्जाम में आने के तो इट इज एन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है ठीक है इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड वी नो इन इंडिया वी हैव ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इट रिकॉज वेल ड्रीनड फर्टाइल सॉयल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर अच्छा इसको जो है टी उगाना इतनी आसान बात नहीं है टी उगाने के लिए हमें एक लार्ज नंबर में आपके जो लेबर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी जो लेबर होने चाहिए वो स्किल्ड लेबर होने चाहिए अगर मैं बात करूँ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की तो वो है आपके असम असम में दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल में जलपेगुरी जलपेगुरी एंड दार्जिलिंग दी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आई मीन रीजन 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया स्टैंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना ठीक है अब बात करते हैं कॉफ़ी की तो कॉफ़ी इंडिया में सबसे पहले आपकी यमन से आई थी जो कि अरेबिका टाइप की अरेबिका वरायटी की का थी यमन की तरफ से आई थी इंडिया में और इसे सबसे पहले बुदान बाबा बुदान हिल्स में उगाया गया था बट अगर मैं आज के बारे में बात करूँ तो आज इसे नीलगिरी कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु में उगाया जाता है एंड जो कॉफ़ी इंडिया में उगाई जाती है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ये तो था आपका एग्रीकल्चर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अब हम पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है हॉर्टिकल्चर इज द स्पेशलाइज्ड कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाते हैं ठीक है तो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं जैसे कि आपका आता है मैंगो तो इसमें हॉर्टिकल्चर के आ, के टॉपिक के अंदर आपको जितने भी फ्रूट्स मिलेंगे उसमें आपको बस जगह याद करनी है कि कहाँ कहाँ पर उगाए जाते हैं जैसे कि मैंगो आपके बहुत फेमस है ये कि महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं आप एक दो नाम याद रख लीजिए काफ़ी है औरेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि नागपुर के ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा फेमस है तो इस इस तरीके से आप चीज़ों को लिंक करके याद कर सकते हैं कि हाँ यहाँ के ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा फेमस है यानी कि यहाँ पर ज़रूर उगाए जाते होंगे इसी तरीके से बनानास आपको पता है केरला में साउथ इंडिया में क्या होता है कि बनाना के जो पत्ते होते हैं उसमें खाना खिलाया जाता है लोगों को तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि बनाना कहाँ पर उगाया जाता है केरला में तमिलनाडु में अब बात करते हैं लीची एंड गवावा की तो लीची एंड गवावा आपको पता है लीची बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है बिहार में अभी आपका एक पेंडेमिक सिचुएशन भी हुआ था कोई बीमारी चली थी जिस लीची की वजह से लीची खाने की वजह से ठीक है तो आप इससे लिंक करके याद कर सकते कि हाँ लीची आपकी बिहार में उगाई जाती है पाइन एप्पल पाइनएप्पल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय में देखते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कलरफुल लोग ड्रेस पहनते हैं और उसके ऊपर जो वो हेड में कुछ क्रोन टाइप का जो पहनते हैं वो फ्रूट्स का बना हुआ होता है और उस फ्रूट में सबसे ऊपर आपका पाइनएप्पल रखा होता है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हाँ वो मेघालय में ऐसा ऐसा होता है तो यानी कि मेघालय में पाइनएप्पल उगाया जाता है ग्रैप्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रैप्स आपके महाराष्ट्र के ग्रैप्स सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में ठीक है एप्पल्स पियर एप्रिकॉट एंड वेलनट ये तो सभी को पता होता है कि एप्पल्स कहाँ के सबसे ज्यादा फेमस है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश क्योंकि ये ठंडी इलाकों में उगाए जाते हैं ये तो था आपका सिंपल सा तरीका आप कैसे हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स को याद कर सकते हैं अब हम बात करते हैं रबर एंड कॉटन की तो रबर कैसा एक क्रॉप है रबर की ऐसा क्रॉप है जिसे हम ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाते हैं इट नीड्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रेनफॉल अब टू हंड्रेड एंड सेंटीमीटर एंड इट्स हाई टेम्परेचर एबव ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस बात करूँ मैं कहाँ उगाया जाता है तो इसे केरला में तमिलनाडु में कर्नाटका में और अंडमान एंड निकोबार आयलैंड में उगाया जाता है कॉटन तो कॉटन बहुत ही सिंपल सा आपका क्रॉप है जिसे आप जानती होंगे कि इसे ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है एंड इट इज इट वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना आई मीन इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना अकॉर्डिंग टू डेटा टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल टू हंड्रेड एंड टेन फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर दियर ग्रोथ इसे उगाया कहा जाता है इसे उगाया जाता है आपके गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु पंजाब और हरियाणा में एंड इट इज अ टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप ठीक है अब बात करते हैं जूट की तो जूट भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक क्रॉप है जिसे कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है इसको हम गोल्डन फाइबर की तरह भी कहते हैं कि जूट का दूसरा नेम है आपका गोल्डन फाइबर इट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड इट इज मेनली ग्रोन इन बिहार असम एंड उड़ीसा ठीक है अच्छा ये सब उन में सबसे ज़्यादा अच्छा उगता है जहाँ पर हर साल न्यू आपकी सॉइल होती है यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छी जगह उगता है जहाँ पर आपके हर साल फ्लड आती है जैसे कि आपका बिहार हो गया यूपी के एरियाज हो गए ठीक है यहाँ पर हर साल फ्लड आता है इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में आपका जूट उगाया जाता है अब एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए बनता है वो ये है वाई इज़ इंडिया कॉल्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में तो मैंने इसके लिए आपका आंसर भी तैयार किया हुआ है मैंने इसमें चार पॉइंट्स लिखे हैं आ, अगर आप चाहें तो पाँच पॉइंट्स भी इसे बना सकते हैं तो क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा लोग हैं इंडिया के वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है टू थर्ड ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ़ द फूड वी कंज्यूम्ड इन आवर डे टू डे लाइफ थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि uh, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज यूज़ करती है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही प्रोड्यूस किया जाता है दिस दैट इज़ वाई कि आपका uh, आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका क्रॉप्स uh, को ग्रो किया जाता है अब लास्ट पॉइंट ये है कि सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी कॉफी इन सबको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ताकि हम फॉरन एक्चेंज से अपनी इकोनमी को बेहतर कर सकें इसी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी वजह से हम इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वॉट मेजर्स आर बींग टेकन बाय टू रिवाइव द प्रोडक्शन जूट इन इंडिया तो ये आपका क्वेश्चन टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन में आया था जामिया बोर्ड में तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम जूट की प्रोडक्शन को इंडिया में रिवाइव कर सकें तो इसके तीन पॉइंट्स हैं कि हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ यूज़ सीड्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो पैदावार हो जो कि हमारी प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो बेटर प्लांट प्रोडक्शन के लिए हम कुछ बेटर मेजर्स यूज़ कर सकते हैं हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपका थ्री मार्क क्वेश्चन है ठीक है आप इसे लिख सकते हैं याद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में क्रॉप्स की इम्पोर्टेंस को देख क्रॉप्स जो कि प्रॉब्लम फेस कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स उनको देख करके कई सारे टेक्नो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए तो इसके साथ साथ कई सारे रिफॉर्म्स भी किए गए तो सबसे पहला आपका था ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया वाइट रेवोल्यूशन किया गया ठीक है ताकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतर कर सको लोगों को इंगेज ज़्यादा कर सको क्योंकि हमें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर की ठीक है तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो सबसे पहला तो आपका कई सारे स्कीम्स निकाले गए जिसमें कि एक आपका के भी है किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें कि आ, आप लोगों को जो जो भी लोग फार्मिंग से जुड़े हैं जितने भी किसान हैं उनका एक क्रेडिट कार्ड बनाया गया दूसरा आपका एक स्कीम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम पैस भी कहते हैं पी ए आई एस इसमें क्या किया गया अगर कोई किसान आ, मर जाता है तो उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा अच्छा इसके साथ साथ कई सारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स किए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके डिफरेंट काइंड ऑफ मैथड्स की और अपनी पैदावार को अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज कर सके और क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक है एम एस पी जो कि आपको पता है कि हर साल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के अकॉर्डिंग uh, निकालती है ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सके किसान उसका फ़ायदा उठा सके आगे बात हम करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट की तो so, 2010 एंड 11 के अकॉर्डिंग हमारी 52 परसेंट ऑफ द टोटल वर्क फोर्स जो थी वो फार्मिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी जो कि आपका पहला डाटा है और तो और जो शेयर है एग्रीकल्चर का जी में जी में वो डिक्लाइन कर रहा है ये है आपका अभी तक का डेटा कि अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो ये ज़रूरी है इंडिया के लिए इंडिया की गवर्नमेंट के लिए कि कुछ इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ मेथड्स किए जाएँ लॉन्च किए जाएँ तो इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आई ने कई सारे मेथड्स कई सारे स्कीम्स निकाले ठीक है और डेवलपमेंट भी की मेटल मेटरोलॉजी फील्ड में वेदर फोकास्ट किया गया बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए जाए Uh, किए गए और किए भी जा रहे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें जितनी भी जरूरत है इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल्स को उन सभी को फुलफिल कर सकें तो ये था आपका चैप्टर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल आई होप वी विल मिट इन द नेक्स्ट लेक्चर सो टिल देन